जी हाँ, आइए बात करते हैं कि हमारे नए महीने के नए दिन से हमारी केंद्र सरकार हमारे भारत में कौन कौन से आपके नए नियम लागू करने वाले हैं। दोस्तों आपको बता दी जाए कि हमारे भारत के सरकार ने हमारे लॉकडाउन को 31 जुलाई 2020 तक बढ़ाने का ऐलान जारी कर दिया है। और दोस्तों इसी के साथ हमारे 1 जुलाई 2020 से हमारे भारत में जितने भी आपके प्राइवेट बसें हैं उन सभी प्राइवेट बसों को बंद करने के लिए हमारी केंद्र सरकार ने पूरी तरह से यहाँ पर नई गाइडलाइन को जारी कर दिया है। तो आइए दोस्तों आज इन्हीं सभी महत्वपूर्ण खबरों के साथ जानेंगे कि आखिरकार हमारी केंद्र सरकार हमारे भारत में 1 जुलाई 2020 से कौन कौन से यहाँ पर नए नियम और बड़े फैसलों को जारी करने वाली है। अगर दोस्तों आप भी एक भारत के सच्चे नागरिक हैं तो इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हमारे भारत सरकार के द्वारा जो यहाँ पर नया नियम और बड़ा बदलाव निकल कर आ रहा है इन सभी की जानकारियों के बारे में मैं आपको एकदम कांच की तरह क्लियरली समझाऊंगा। तो इस वीडियो को थोड़ा सा भी भगाइएगा मत, एकदम बनेगा हमारे साथ इस वीडियो में और पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। बस वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी ननी सी रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि दोस्तों आपका जो लाइक और शेयर होता है वही हमारी असली मेहनत का फल होता है। तो चलिए फ्रेंड्स बिना समय गवाने चलता हूँ आपको आज की सबसे बड़ी खबर की तरफ। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो कि झारखंड में 31 जुलाई 2020 तक बढ़ा लॉकडाउन। जी हाँ, दरअसल दोस्तों बात कुछ ही बना कि हमारे भारत में जो महामारी चल रही है उसकी बढ़ती जनसंख्या को देखकर हमारे झारखंड की सरकार हेमंत सोरेन ने अपने यहाँ झारखंड में लॉकडाउन को 31 जुलाई तक बढ़ाने का ऐलान जारी कर दिया है। और दोस्तों इस दौरान आपके झारखंड में कौन कौन सी दुकानें खुली रहेंगी और कौन कौन सी दुकानें बंद रहेंगी, तो फ्रेंड्स यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि हमारे भारत में जो महामारी चल रही है उसकी वजह से हमारे झारखंड राज्य में लॉकडाउन को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। और दोस्तों इस बीच आपके झारखंड राज्य में आपके मंदिर मस्जिद और आपके गिरजाघर समेत सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। और दोस्तों इसके साथ ही हमारे सिनेमा हॉल, मॉल, सैलून और आपके जितने भी यहाँ पर हॉटस्पॉट इलाके हैं इन सभी को सील करने के लिए यानी दोस्तों बंद करने के लिए हमारे झारखंड के सरकार हेमंत सोरेन ने ऐलान को जारी कर दिया है। तो ऐसे में दोस्तों आप जान लीजिए कि हमारे झारखंड राज्य में आपके लॉकडाउन को 31 जुलाई 2020 तक बढ़ा दिया गया है। और दोस्तों इसी के साथ हमारा अगला नया नियम निकल कर आ रहा है कि हमारे हिमाचल में 1 जुलाई से नहीं चलेगी प्राइवेट बसें। जी हाँ, दरअसल दोस्तों बात कुछ ही बना कि हमारे भारत में जो माहौल चल रहा है उसकी वजह से हमारे भारत में जितने भी आपके प्राइवेट बसें हैं उन सभी प्राइवेट बसों के जितने भी ऑपरेटर हैं वो आपके 1 जुलाई 2020 से बसों को खड़े करने का ऐलान जारी कर दिया है। तो आखिरकार इसका पूरा मामला क्या है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि हमारे भारत में जो बीमारी का कहर चल रहा है उससे झेल रहे निजी बस ऑपरेटरों ने 1 जुलाई से अपनी बसें खड़ी करने की बात कर दी है। और दोस्तों हिमाचल निजी बस ऑपरेटर संघ की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में आज यह निर्णय लिया गया है कि 30 जून 2020 तक अगर सरकारी निजी बस ऑपरेटर को राहत नहीं देती है तो 1 जुलाई से हिमाचल प्रदेश में निजी बस ऑपरेटर अपनी बसों को खड़ी करने का ऐलान जारी कर दिए हैं। यानी कि दोस्तों आपको बता दें कि अगर 30 जून से पहले पहले हमारे जितने भी आपके सरकारी बस के ऑपरेटर होते हैं वो अगर प्राइवेट बसों के ऑपरेटर का साथ नहीं देंगे तो हमारे हिमाचल प्रदेश में जितने भी आपके प्राइवेट बस हैं वो सारे के सारे यहाँ पर बंद हो जाएंगे। यानी दोस्तों आपको एक शॉर्ट तरीके से और सिंपल तरीके से बता दी जाए कि हमारे हिमाचल प्रदेश राज्य में 1 जुलाई 2020 से जितने भी आपके प्राइवेट बस हैं उन सभी को बंद करने के लिए हमारे हिमाचल प्रदेश के बस ऑपरेटर ने ऐलान को जारी कर दिए हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे में आप किस राज्य से आते हैं, अपने राज्य की जानकारी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं ताकि आपके राज्य की भी कोई यहाँ पर खबर आए तो मैं आपको वीडियो के तौर पर प्रोवाइड करा सकूं। और फिलहाल दोस्तों अगर आप हिमाचल प्रदेश से आते हैं तो ऐसे में आप जान लीजिए कि हमारे हिमाचल प्रदेश में 1 जुलाई 2020 से जितने भी आपके हिमाचल प्रदेश में प्राइवेट बस हैं उन सभी को बंद करने का निर्णय हमारे हिमाचल प्रदेश के बस ऑपरेटर ने ऐलान को जारी कर दिया है। तो फ्रेंड्स यही कुछ आपको छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना था, उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई करने का पूरा कोशिश करूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं एक और वीडियो में एक और अपडेट में, तब तक लिए जय हिंद वंदे मातरम।